अर्पित सिंह सिराज हिंद जौनपुर की धरती से। भोजपुरी लोक संगीत को सुनने वाले तमाम भैया बाबू को यथाउचित नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूँ। साथ ही स्टूडियो में बैठे हुए आप हमारे बड़े भैया, आप रिकॉर्डिंग इंजीनियर धनंजय भैया जी और हमारे पिताजी बिरहा व्यास सूरज सिंह जी, हमारे गुरु जी आप संतोष यादव कवि जी जौनपुर, हमारे चाचा जी आप विजय लाल यादव जी मुगलसराय, आपको मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद की इच्छा रखता हूँ। बिरहा में मास्टर भैया चार लाइन भूमिका से लिखना पड़ा, कैसे बबुआ? पाप संताप को दे जन्म साथियों और चिंता चतुरता को मिट्टी मिलाती, लुप्त लालच में ईमान हो हर घड़ी, ज्ञान गरिमा के ईर्ष्या को अग्नि जलाती, बुद्धि प्रतिभा प्रखर हर बसर की करे, ऊंचा स्थान सम्मान वाली दिलाती, नेक नियत रहे हो इरादा अटल, तो सफलता सदा साथ सबका निभाती। गौर करिएगा बिरहा लोक संगीत को सुनने वाले बाबू लोग भैया लोग चचा लोग, नेक नियत रहे हो इरादा अटल तो सफलता सदा साथ सबका निभाती। एक लाइन कौआली के बानगी लगल रामवृक्ष भैया, कैसे? पहले के कलाकार गवाई, अरे बस एक और दुनिया है इसी संसार के नीचे, लेकिन कबो कबो हम गाइला तरसिया ती है मुझको भी, तरसिया ती है मुझको भी तुम्हारे हाल के ऊपर, तरस पर दीवाने हो गए कितने ये गोरे गाल के ऊपर, कवाली है लेकिन बिरहा में कबीर जी बड़ा सुंदर भाव देना हो, क्या लिखते हैं? बचाना कोई है इससे, बचाना कोई है इससे पड़ा जिस पर कहर इसका, बचाना
जो इसका जिंदगी हो गई बेकार बना शिकार जो इसका। हमारे कहानी का शुरुआत हो गई भैया कैसे का ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इससे ना बच सके ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इससे न बच सके मानव की क्या विषात घात इसकी सह सके लालच ऐसी चीज होती है जिससे साक्षात परमेश्वर भी आज तक नहीं बच पाया। हमारे कहानी के इस शुरुआत में था बादशाह अकबर का बादशाह अकबर का अब हिंद में शासन पाए थे जहां बीरबल मुख्यमंत्री का आसन खुशरूमिया बेगम के रहे बड़े भाई खुशरूमिया बेगम के रहे बड़े भाई लालच के बात एक दिन मनवा में समाई बहना से बोले बात मेरी काम बना दो बहना से बोले बात मेरी काम बना दो जीजा से कह के हमको मंत्री पद तू दिला दो लोक संगीत को सुनने वाले बाबू लोग भैया लोग चचा लोग बिरहा का हीरोइन कहानी होले ये बबुआ अरे वाह जैसे फिल्म का हीरोइन वैसे बिरहा का मुख्य किरदार कहानी होता है वाह वाह ये कहानी लेवल गल बादशाह अकबर के दरबार से बादशाह अकबर के सालार हल जेकर नाम खुसरू मियां बतावल अब खुसरू मियां बादशाह अकबर के दरबार में बे बाबू काम धंधा करके छोटका सार बे एक दिन अपने मन में आयल कि हमार इज्जत महल में कम बे बीरबल के इज्जत बहुत ज्यादा है अब बादशाह के सार बे जाके अपने बहन से कलश की सुनो तू बहनी एक काम कर तू बेगम साहबा पूछती है कि क्या क्या काम है भैया बताता है वो खुसरू मियां जो राजा साहब अकबर जी का छोटा साला है बताता है कि इतना कर तू कि जवन पदवा पौले हुआ बीरबल जी तवन हम में दिया दे अरे वाह न उनसे हम कम बीर बारी न उनसे कम पढ़ले बारी आखिर हम काहे कि उनसे छोट ऊपर से खासम खास रिश्तेदार बारी बेगम साहिबा सुन ली करी भैया इतनी छोट के बाती बदे परेशान हुआ एक दम लामा भरे में रतिया भर में बतिया बना दे कहने का भैया एक लाइन गीत बदल गई लिया देखा ये भैया मुन्ना भैया पुरान चीज कभो पुरान होत ना अरे वाह ये कुल गीत में आज भी कशिश है भाई नईकी जो नावत है लक दे आई लक दे चल जाई पुरानकी में आराम मिला ना भैया अश्लीलता से परे क्या गोरी जब मज बरतनावा जब मज बरतनवा खन 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 कंगनवा
लेकिन बेगम साहेबा कैले का है, जब बादशाह अकबर आते हैं शयन कक्ष में सोने के लिए, तब बेगम साहेबा अपनी बात रखती हैं राजा के सामने। क्या रखती हैं? रानी बोली राजा के समानावा, रानी बोली राजा के समानावा, सुना सुना हमारे सजनावा, बेगम साहेबा लगली अकबर के बहकावे, दा तोहार पहुआ दबाई दे पानी पीबा। अकबर समझ गेले कोनो मतलब एकर भी बाबा, पूछला कले ई बतावा कोनो बात हो कोनो काम हो, तब वे अचरा के कोरे ऐठत बतावत का मंत्री पद से तू जल्दी बीरबल के हटावा, खुसरू मियाँ के अपन मंत्री तू बनावा, बेगम साहेबा यही बता रही हैं कि जो स्थान आपने बीरबल को दिया हुआ है वो स्थान मेरे छोटे भाई खुसरू मियाँ को दिया जाना चाहिए। पढ़ा लिखा बात मोर बिरनवा, सुना सुना हमारे सजनवा, इतनी बात जब कहले बानी बेगम साहिबा बादशाह से, बादशाह कलम बेगम साहिबा जो जिस लायक होता है उसे उसी प्रकार का सम्मान दिया जाता है। अरे वाह, एक लाइन व्यास गुरु जी बात लिख ले रहा ना कि रही लायक तयादर सदा होई बिरादर कोई हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा सगा साला है तो वो मेरा है, उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, अगर उस योग्य होगा तो मैं जरूर उसे वो सम्मान दूंगा, वो स्थान दूंगा। रानी साहबा कहनी हमार भैया बीरबल से रचको कम ना पढ़ ले हुए, न बीरबल से ज्यादा कमजोर बाड़ा, युद्ध भूमि में भी बड़ा भारी पराक्रम देखा वाला घूम के आखिर तेज कम में हुआ। राजा कहें ऐसे ना मानब, अकबर जी कहते हैं ऐसे नहीं माना जाएगा, इन दोनों का मैं परीक्षा लूंगा, जो परीक्षा में सफल होगा उसी को ये वादा दिया जाएगा। एक बड़ी पुरान गीत लगी मुन्ना भैया, एक सम्राट कलाकार स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाँव है, हमान के बस का बात ना है, लेकिन ये भैया पुराण थाती है कि जो गई भी जरूरी बा। कैसे भैया अरे गोरिया हो, गोरिया हो बिजुरिया कहवा गिरी, कहनावा कैसे करी, दुनिया
बादशाह अकबर कहते हैं बेगम साहिबा से कि समाज हमको ताना मारेगा, तो मैं ऐसा काम करूंगा क्योंकि मेरे अंडर में तमाम प्रजा है, तमाम लोग हैं, मैं सबके भावनाओं का कद्र करते हुए ही वो स्थान मैं खुसरू मियां को दूंगा। एक लाइन दोहा में भाव लिखल गल भैया, स्वार्थ में अंधी बनो ना बेगम, लेने दो बुद्धि परीक्षा, प्रश्नोत्तर के बाद करूंगा आपकी पूरी इच्छा। विराम एक लाइन तेरी से बात लिखना पड़ा, कैसे बाबूआ? अरे कुर्सी के काबिल ज्ञान चाहिए, कह रामा 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 अरे मोरे रामा, कुर्सी के काबिल ज्ञान चाहिए, शोभा सिंहासन की, हाँ हाँ शोभा सिंहासन की, नाना शोभा सिंहासन की, शोभा सिंहासन की है सत्ता की शान, कुर्सी के काबिल ज्ञान चाहिए। बादशाह अकबर फटकार के कहते हैं बेगम साहिबा से, कुर्सी के काबिल ज्ञान चाहिए, शोभा सिंहासन की है सत्ता की शान, कुर्सी के काबिल ज्ञान चाहिए, करी बुद्धि परीक्षा लिए बिना, करी बुद्धि परीक्षा लिए बिना मैं निर्णय ना ले पाऊंगा, प्रतिभागी दरबार में मेरे दोनों आज यही बतलाऊंगा, दो प्रश्नों का उत्तर उनसे सभा बीच पूछवाऊंगा, जवाब जिसने सही दिया मैं मंत्री उसे बनाऊंगा। कल अकबर बादशाह की सुनिए बेगम साहेबा, दोनों को दरबार में उपस्थित किया जाए और दोनों से दो प्रश्न पूछा जाएगा, जो सही उत्तर बता देगा उसे ही यह पोस्ट दी जाएगी। बेगम साहेबा कहीं ठीक बा, हम मान गईली, तू बुलावा भैया कमरे परीक्षा लेला और बीरबल जी का भी लेला। रचका गीत बदल गई बबुआ, हतावा में आदि पाँव में आज हमके दुल्हनिया बनाला बलम, आज हम लेकिन विरह में भाव लिखा गया, दरबार सजा हुआ है बादशाह अकबर का, हुआ क्या बादशाह अकबर की लगी दरबारिया, मंत्री बन खाते सीनावा फुलाए खुसरू, मंत्री बन खुसरू से पहली सवालिया पूछाई, भरत के बीच कहाँ देबा तू बताई, सवाल पूछा जाता है, एक तरफ अकबर जी बैठे हैं, एक तरफ बीरबल जी बैठे हैं, एक तरफ खुसरू मियां बैठे हुए हैं, सवाल पूछा जाता है किस भूमंडल का बीच कहां पे है, पृथ्वी का बीचों बीच केंद्र कहां पे है, पहला सवाल। दूसरा का पूछल रहा, दूसरे की नाव गगन कतरैया,
खातिर मंत्री बने खातिर मंत्री बने खातिर सेनावा फुलाए खुसरू मंत्री बने लोग संगीत को सुनने वाले बाबू लोग भैया लोग चचा लोग गौर करिएगा खुसरू मियां बैठे में सवाल पूछा गया कि धरती का बीचों बीच केंद्र कहाँ है और दूसरा क्वेश्चन किया गया कि ये बताइए कि आसमान में कितने तारे हैं। अरे बप्पा अरे बप्पा इतनी बतिया जब सुन ले वाला ये भैया खुसरू मियां कहीं कमा सवाल चुतिया बना रहे हो ये क्या पूछ रहे हो। अरे धरती का बीच कौन नापेगा और दूसरी बात आसमान में कितने तारे हैं ये किसको पता है। लेकिन ये भैया बिरबल जी हंसने लगा जब हंसने लगा तो गीत बदल गई है। कौन गीत है बाबूआ अरे या गला गए सैयाज करिया ए गोटी गुलाबी ना ए गोटी गुलाबी ना तारा सवला जियरा मोर ए गोटी गुलाबी ना लेकिन ए भैया बिरबल जी का नंबर आता है खुसरू मियां कहना हमरे बस का ना है कुल झूठ के पास मत बोला तो बढ़िया सवाल पूछा लेकिन बिरबल जी कहते क्या है गढ़ना ही बात है राजा गढ़ना ही बात है राजा तोहरी सवलिया तानी देरी आ लगी तानी देरी आ लगी हमके चाहिए कुछ समय तानी देरी आ लगी हार्ड क्वेश्चन आपने नहीं किया हुआ है जो पूछा है बहुत सरल जवाब है इसका लेकिन उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। बादशाह अकबर पूछते हैं कहते हैं कि बिरबल जी समय मांग लीजिए लेकिन जो उत्तर दीजिएगा वो सही दीजिएगा। तब तीसरे दिन समैया सा भाभी चावा में पाए जाके पैसा मिलल घरे लेके आए दिन बीता घोड़ी लादे दिन बीता घोड़ी लादे खुटवा मुंगरिया तानी देरी आ लगी तानी देरी आ लगी पहुंचे खुसरू के दुअरिया तानी देरी आ लगी ए भैया बिरबल जी कलम सवाल का उत्तर तो जरूर देंगे लेकिन एक समस्या है इसके लिए कुछ पैसा रुपया का जरूरत पड़ी महाराज ओके देबा तो मैं जरूर आपको बता सकता हूँ कि धरती का केंद्र कहाँ है आकाश में कितने तारे हैं। भैया बादशाह अकबर कहना कितना चाहिए फरमाइश करते हैं बिरबल जी कि हमको इतना धन चाहिए इतना खर्च लगेगा धरती का बीच नपवाना होगा तो पूरी धरती को नापना होगा तब ना पता चलेगा बीच कहाँ है। बिरबल जी ये भैया रुपया पैसा पहले बार अपने घरे चल कुछ दिन बीतल जब एक महीना नियर आई गल एक गदही लेना वही पे मुंगरी खूंटा फरसी कुदार लाद लेना और वही खुसरू मियां के दुआरे पहुंचल हूँ केवाड़ी लगने खटखटावा खुसरू मियां खोलना कहू अतले ढकेले मकेले जाए के खड़ा भैया बिछी अंगना में लगना वही खूंटा गाड़े जब खूंटा गाड़े लगना ये बबुआ अरे बाप रे बाप खुसरू मियां परेशान कहे यार ये कौन सी बदतमीजी है अरे! ये क्या कर रहे हो मेरे आंगन में आके खूंटा गाड़ रहे हो कहे बोला मत इसमें ड्यूटी पीरियड में हिला भाव पापट में लगल भैया अरे ना पत
पहुंचे आज गई आई तोहरे अंगना में। अरे ना पतना पतप पहुंचे आज गई आई तोहरे अंगना में। धरती माता के बिचवा पड़ जाए तोहरे अंगना में। खुसरूमिया इधर तो करो, तुम समझते हो मैं कौन हूँ? मैं बादशाह अकबर का खास साला हूँ। बीरबल का जवर रहा उससे मतलब ना है। इसमें हम ड्यूटी में हिला, हमारा इतना पावर बे कि हम नापे चल हिला तो नाप सकीला। तब आंगन पीछे लगे गाड़ने बीरबल तब हो खूटा हो। अजब तमाशा देखा खातिर नर नारी सब जूटा हो। बादशाह बेगम आई गई तोहरे अंगना में। धरती माता के बिचवा पड़ जाई तोहरे अंगना में। भैया हो मचल हल्ला के भैया खुसरू मिया के घर में बीरबल खूटा मुअरी ले ले हलल हुआ। पीछे अंगना खूटा गाड़ा छोड़ कर तनी मन बढ़ाई देखा। बात धीरे धीरे फैलत फैलत सुनील भैया पहुंच गई बादशाह के लगे। अकबर किन पहुंचल बेगम साहिबा महलवे में। कहीं देखला न कहिला मन जिन बढ़ावल करा। इतना मन बढ़ावला कि तोरे खास रिश्तेदार होकर घरे में खूंटा गाड़त। ए भैया रथ सजले बादशाह अकबर बेगम साहिबा भी पहुंचल खुसरू मिया के घरे। अब बीरबल वही खूंटा गाड़त शुरू कैले हो। बादशाह कहते ये कौन सी बदतमीजी है बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल कलस की बदतमीजी ना साहेब, हम यह करते हैं जो काला है कि धरती का बीच नाप के दिखाओ कि पूरे भूमंडल का बीच केंद्र कहाँ है। तब केंद्रवा बताओ कि केंद्रवा नापत नापत इनके अंगनवे में आई बैठ है। तब बेगम साहिबा क्रोध में लाल कली तो और कत्तो ना दिखा लिया हमारे भैया के अंगना दिखा ला खूंटा का रथ हुआ भाव आलाम में लगा। हाय राम पहनियो बिरनवा दुनो एक होई गईले बाबू। झूठाई जवाब बाटे बिरबल हो तोहार। बुद्धि के खजनवा बोलल सबके समनवा राजा। बेगम साहिबा नाराज कनी दिखा बीरबल तुहार सम्मान बेसी तक मतलब ना कि तू बदतमीजी पे उतारू हो जा। हम तुहार कुर्सी बदे का कदली राजा से कि तुम्हारे भैया के जरी लगल हुआ। बीरबल कलम महारानी ऐसा कोनो बात ना है। यदि तुहार शंका बुझात बे कि इस धरती के बीच ना तू नकवाल है। यदि आपको शंका लग रही है कि मैं कहीं भी चीटिंग कर रहा हूँ तो आप खुद ही नपवा लीजिए, धरती का केंद्र पता कर लीजिए, यही आएगा। ये भैया रानी है उनका भैया खुसरू मियाँ दोनों जने वहीं एक बड़ी खड़ा हूँ। रानी कहे ठीक है मैं मान लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि धरती का केंद्र यहाँ है, लेकिन दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे होते हैं। भाव सदर में लिखना पड़ा। पहला मजबूर मान पहला जब बाबा पहले मजबूर मान पहला जब बाबा दूसरा सवाल खातिर कहा नहीं जहां
कई के इशारा बिरबल घोड़ा वाके देखा ला एकरे शरीरिया में बाटा जतना पार भैया हो बिरबल जी कल की देखिए महारानी। दूसरा सवाल था कि आकाश में कितने तारे होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आकाश में कितने तारे होते हैं। भाई जो समनवा घोड़वा देखात बाड़ा इनान के शरीर पे जितना बार बे उतने आकाश में तारा हुए, और ना विश्वास हो तो तू बड़वा गिन ला फिर तरवा गिन ली तब। अरे ज्ञान वाली गरिमा तब बीजश्री के पाउली बुद्धि के आगे झुकेला संसार बोला रानी और खुसरू मियां हाथ जोड़ के खड़ा कहीं बिरबल मान गए। बादशाह अकबर आड़े बोलो ना कहीं बिरबल सच्चो न पले रहला कहे महाराज क्योंकि बस का धरती का केंद्र नापा आसमान का तारा गिने तहु गजब गजब सवाल कराला यार। इस भूमंडल पे बुद्धि ही प्रधान होती है सूरज भैया, तू बड़ा सुगर बड़ा बड़ा पढ़ले हुआ, यदि बुद्धि ना काम कर ले तो आज मैं मटिया माटी जानिया। आज के नए परिवेश में आज के नए समाज में एक लाइन कवि जी ने बड़ा ऊंचा लिखा है हमारे गुरु जी बिरहा व्यास सूरज सिंह जी ने। क्या लिखा है बबुआ खड़ी में लिखना पड़ा। अरे या कबर बिरबल के किस्सा से सुझाव कीजिए कुर्सी काबिल ज्ञान वाले का चुनाव कीजिए। अर्थी बात है लिखल खड़ी में ही कुर्सी काबिल ज्ञान वाले का चुनाव कीजिए। जनता या भेड़ दुई थे दोनों एक का कटड़ी की जानिया। जितने भी जीवों की रचना हुई उसमें सबसे बुद्धिजीवी जीव मनुष्य माना गया, लेकिन ये भैया आज के परिवेश में सबसे मूर्ख मनुष्य हुए। तो गौर करिएगा कि अकबर बिरबल के किस्सा से सुझाव कीजिए और कुर्सी काबिल ज्ञान वाले का चुनाव कीजिए। घोर घमंड मन में अरे कभी नहीं करिए दूर सन ताप वाले पाप से ही रहिए। अरे झूठी सान से सदा ही बचाव कीजिए कुर्सी काबिल ज्ञान वाले का चुनाव कीजिए। कुर्सी काबिल ज्ञान वाले का चुनाव कीजिए। बिरहा का समाप्ति भइल भैया, आखिरी लाइन गुरु घराने का पर्चा लगल कैसे। गुरु बिहारी गुरु पत्तू जी हुए स्वर्ग के बासी सूरज सिंह जी दर्शन पाए अरे पीछे नगरिया काशी। कुर्सी के काबिल ज्ञान चाहिए हे राम कुर्सी के काबिल ज्ञान चाहिए अर्पित सिंह दिल अंदर पंचों का